सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नए चार्जिंग एनिमेशन के रिगार्डिंग कि आप अपने डिवाइसेस में, चाहे आप रियलमी का ओल्ड डिवाइस यूज़ करते हो, चाहे वो कलर वाइज 6 के ऊपर ही क्यों ना वर्क कर रहा हो, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो विदाउट अपने डिवाइस की TWRP या कोई रूट करके। इस वीडियो में आपको पूरे मेथड बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और इस वीडियो के ऊपर हम लाइक्स एम टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स, क्योंकि ये फ्रेंड्स चार्जिंग एनिमेशन अभी 2-3 दिन पहले रियलमी के ऑफिशियल जो सोशल हैंडल्स है वहाँ पर आया था और रियलमी X2 Pro में आ चुका था, लेकिन हमने आपके ओल्ड डिवाइसेज, नए डिवाइसेज सब में ये वर्क करेगा। तो इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करते। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी देखेंगे मैं कौन सा डिवाइसेज यूज़ करता हूँ, अबाउट फोन रियलमी 2 Pro डिवाइसेज मैं यूज़ कर रहा हूँ और कलर OS 6 के ऊपर वर्क कर रहा है। सो जो चार्जिंग एनिमेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आप कैसे उसको यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आप मेरा चार्जिंग एनिमेशन आपके सामने मोबाइल फ़ोन को मैं चार्जिंग के ऊपर लगा के बताऊं तो आप देखेंगे मेरा चार्जिंग एनिमेशन कैसा होगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग के ऊपर लगा रहा हूँ और चार्जिंग एनिमेशन आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा जो कि ओल्ड है, ये सभी डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा। बट अब हम आपको बताएंगे आपको जो नया चार्जिंग एनिमेशन आया था उसको कैसे यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक थीम का, जाकर के उस थीम को डाउनलोड करने के बाद उस थीम को आप लोगों ने सिंपली से, आपको उस थीम फाइल के ऊपर कोई भी पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा और जाकर के उस थीम को ओपन करना है जहां पर आपने उस थीम को रखा हुआ है। तो मेरी थीम ये रही, मैंने इस थीम को ओपन कर लिया। और एक और बात, हाँ, इस थीम को जो क्रिएट किया है वो TJ एडवास भाई जी ने किया है, उनके चैनल का लिंक आपको मैं जाके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर लेना। वो भी बहुत अच्छी अच्छी थीम्स हमारे लिए क्रिएटेड करते रहते हैं। ओपन करने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, ट्राई आउट और बाई का। ट्राई आउट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे और डू नॉट कीप के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेस्टिंग होगी और टेस्ट, जैसे ये पूरी टेस्टिंग हो जाएगी आपके सामने कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर साथ में ऑक्सीजन OS की भी लुक देखने को मिल जाती है। इस थीम में आइकन्स आपको पूरे ऑक्सीजन OS के देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पर जो क्लॉक स्टाइल है वो भी पूरा ऑक्सीजन OS का देखने को मिल जाता है। इस थीम में एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये है, इस थीम में आपका नोटिफिकेशन पैनल का कलर्स पूरा का पूरा यहाँ पर चेंज हो गया होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस थीम को यूज़ करोगे तो आपका नोटिफिकेशन पैनल का कलर 100% यहाँ पर चेंज हो जाएगा। साथ में यहाँ पर आपके आइकन, सेटिंग्स की लुक, ऑल इज थिंग एवरीथिंग के जो आपके टॉगल्स हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन के लुक आपको कुछ ऐसी ब्लैक मिनिमलास्टिक देखने को मिलती है। ये ब्लैक वॉलपेपर मैंने ही लगाया है क्योंकि इस चार्जिंग एनिमेशन के ऊपर अगर हम ब्लैक वॉलपेपर लगा रहे तो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप लगाओगे तो आपको नया चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। रियलमी UI का जो नया चार्जिंग एनिमेशन अभी आने वाला है वो आपको देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक करना और इस थीम को एक बार यूज़ कर ही लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ये थीम आप लोगों को देखने को मिलती है। रियलमी के सभी डिवाइसेज में वर्क करेगी, चाहे आप कोई भी डिवाइसेज यूज़ करते हो। साथ में आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ के लिए है। मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा तो नहीं है, बट ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है। जावा आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छा वर्क तो करेगा, बट अगर आपने कोई पासवर्ड नहीं रखा होगा ये सिर्फ शो ऑफ के लिए है। सो फ्रेंड्स, जाकर के एक बार ट्राई कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये थीम यहाँ पर यूज़ हो रही थी और बहुत अच्छे तरीके से ये थीम भी यहाँ पर वर्क कर रही है। जो जाकर के एक बार ट्राई आउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।